Welcome back to my channel. My name is Tanisha Gulati and if you're new to this channel, please subscribe to my channel and click the like button. So, आज हम बात करने वाले हैं मेरी स्मूथनिंग ट्रीटमेंट के बारे में जो मैंने 5 to 6 months पहले करवाई थी. तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इसकी ड्यूरेबिलिटी, इसका प्राइस और सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में. तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो पहले हम स्मूथनिंग ट्रीटमेंट होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि किन्हीं किन्हीं लोगों को ये पता नहीं होता है कि स्मूथनिंग ट्रीटमेंट और रिपोंडिंग, मतलब वो दोनों को सेम लेते हैं, स्ट्रेटनिंग को सेम लेते हैं, तो सारे प्रोसेस अलग होते हैं. तो आज हम स्मूथनिंग के बारे में बात करने वाले हैं जिसका ट्रीटमेंट मैंने करवाया था. तो स्मूथनिंग का एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें वो ना आपके हेयर्स में क्रीम को अप्लाई करते हैं 2 times और उसके बाद उसका हेयर वॉश करके स्ट्रेट करते हैं बालों को, और उसके बाद आपका कुछ रिजल्ट ऐसा आता है. तो स्मूथनिंग ट्रीटमेंट कराए हुए मुझे 5 to 6 months हो चुके हैं. तो इसमें क्या होता है ना कि आपके जो बाल है बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होते, उसमें थोड़ा सा वेवी टेक्सचर आता है. जैसे मेरे बालों में ये बिल्कुल स्ट्रेट तो नहीं है और कहीं कहीं से ना थोड़ा वेवी टेक्सचर आ जाता है, मतलब ये ना थोड़ा नेचुरल लुक देता है. बिल्कुल से रिपोंडिंग में आपने देखा होगा कि बाल बिल्कुल ही ज्यादा स्ट्रेट लगते हैं, और अगर हम उसमें थोड़ी क्लिप भी लगा देंगे ना तो वो साफ बालों में ना से दिखने लग जाती है. तो इसकी प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं कि इसकी प्राइसिंग कितनी होती है. तो मैंने अपना स्मूथनिंग ट्रीटमेंट 5000 के अंदर करवाया था, मतलब 5000 मैंने पे किए थे उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए. और मुझे क्या ये वर्थ इट लगा ये नहीं, ये मैं आपको एंड में बताऊंगी कि ये ट्रीटमेंट आपको करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए. पहले ना इसके प्रोसेस के बारे में हम बात कर लेते. तो इसकी ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो कि मैंने जब उनसे पूछा था जिन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया था कि कितने टाइम तक टिकती है, तो उसने मुझे बोला कि ये जब तक तुम उसकी केयर करोगे तब तक तुम्हारे लिए मतलब टिकेगी. बट इसका नॉर्मल ड्यूरेशन अगर मैं आपको बताऊं तो इसका 2 years तक ही होता है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होता है. क्योंकि हमारी ना ग्रोथ होने लग जाती है बालों की, तो उसके बाद वो बाल वैसे भी यहाँ से स्टार्ट होने लग जाते हैं, वो सिर्फ 3 इंच से स्ट्रेट रह जाते हैं. तो 2 साल तक ही मैक्सिमम इसको मान सकते हैं कि हमारी चलेगी. अभी मुझे आधा साल हो चुका है इसके साथ और मेरे मतलब इतनी ग्रोथ नहीं होती है बालों की, तो इसमें मेरे अभी स्ट्रेट ही लग रहे हैं, जैसे मतलब पहले थे वैसे ही लग रहे हैं. और इसकी अगर बात करें कि मेरा फर्स्ट डे अपीयरेंस मतलब कैसा लगा था मुझे, तो फर्स्ट डे अकॉर्डिंग मतलब फर्स्ट डे ना जब वो तुम्हारे ट्रीटमेंट करते हैं तो बाल कुछ ज़्यादा ही शाइनी और स्मूथ लगते हैं, और तुम मतलब ऐसे उसको यार मेरे बाल ऐसे स्मूथ रहेंगे, शाइनी रहेंगे हमेशा, पर ऐसा नहीं है. उसके 1-2 wash करने के बाद ना बाल थोड़े मतलब डिटेंगल करने में भी मुश्किल होते हैं. मुझे ऐसा लगता था कि मेरे बालों में ना बिल्कुल भी टेंगल्स नहीं आने वाले और बिल्कुल बाल स्मूथ हो जाएंगे, मतलब ऐसा रहेगा, बट नहीं, डिटेंगल करना पड़ता है बालों को. उसमें ना ये भी होता है कि तुमको ना वो क्लचर्स लगाने से, रबड़ लगाने से सब कुछ मना कर देते हैं कि तुम्हें 1-2 month तो नहीं लगाना है बिल्कुल भी. तो मेरे को मतलब लूज हेयर्स करके ही रखना पड़ता था 1-2 month. वैसे मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था क्योंकि मैं पहले भी लूज हेयर्स ही रख लेती थी. तो ये अब आप अगर मतलब आपको पोनी बनाना पसंद है तो आप नहीं बना सकते 1-2 months तक, नहीं तो वहाँ पे ना उसका निशान पड़ जाएगा रबड़ का. तो इसके बाद बात करते हैं हेयर फॉल की. तो लोग सोचते होंगे कि यार स्मूथनिंग ट्रीटमेंट में इतने सारे केमिकल्स लगते हैं तो हमारे हेयर फॉल होने वाले हैं, हमारे मतलब जो हेयर्स है वो डैमेज हो जाएंगे बहुत ज़्यादा. तो देखो थोड़ा बहुत तो मतलब हेयर फॉल होता है आफ्टर केमिकल अप्लाइंग जब वो कर पाते हैं ना, तो थोड़ा सा उस टाइम भी हेयर फॉल होता है और आफ्टर हेयर वॉश भी तुम्हारा हेयर फॉल होता है. बट इतना हेयर फॉल मुझे नहीं दिखा, मतलब कि जितने मेरा पहले होता था ना तो उतना ही हेयर फॉल होता है. तो अब बात करते हैं कि इसमें खर्चे कैसे होते हैं. मतलब एक तो तुम्हारा 5000 का खर्चा जो मेरा उस दिन हुआ ही था, उसके बाद भी क्या लगता है आपको खर्चे होते हैं? तो हाँ होते हैं, जो वो हमें रिकमेंड करते हैं ना प्रोडक्ट्स हमें वही यूज़ करने पड़ते हैं. और अपने बालों को जितना पहले केयर करते थे ना उससे डबल ट्रिपल केयर करनी पड़ती है हमें बालों की, क्योंकि अब हमारे बालों में केमिकल्स है तो और ज़्यादा हमको इसका ध्यान रखना पड़ेगा, और पैसे लगाए हैं तो ऑब्वियसली रखना ही पड़ेगा. तो जो उन्होंने मुझे प्रोडक्ट्स रिकमेंड किए थे वो थे लोरियल के प्रोडक्ट्स थे, गोल्डन का कुछ शैम्पू था, तो वो शैम्पू भी मतलब 1000 तक का आया था, हेयर मास्क साथ में था, और सीरम भी उन्होंने बोला था कि उसका येलो सीरम. वैसे हम कोई भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, बाकी ये सब लेना पड़ता है. और ना ये स्मूथनिंग हर किसी के बालों में नहीं होती है, वो ना पहले तुम्हारे बालों का टेक्सचर्स चेक करते हैं कि तुम्हारे बालों में हो सकती है ही नहीं कि तुम्हारे बाल झेल पाएंगे इस स्मूथनिंग प्रोसेस को या नहीं. तो उन्होंने पहले मेरे बालों को चेक किया था और उसके बाद ही बोला था कि हाँ तुम करवा सकते हो, अगर तुम्हारे बाल कुछ ज़्यादा ही थिन है ना टेक्सचर में तो वो शायद तुम्हें मना कर देंगे कि नहीं हम स्मूथनिंग तुम्हारे बालों में नहीं करेंगे. क्योंकि ना मेरे बाल जो नीचे से थे ना वो बहुत ज़्यादा डैमेज थे, क्योंकि मैं स्ट्रेटनिंग वगैरह ज़्यादा किया करती थी ना, तो इसलिए मेरे बाल डैमेज हो गए थे नीचे से. जो उन्होंने बोला कि इसको हमें कट करना पड़ेगा बालों को, इसके ऊपर हम ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे. बट मैं तो बालों को कटवाने वाली नहीं थी क्योंकि मुझे तो लॉन्ग हेयर से पसंद है, अगर वो काट देते तो मेरे
मेरे बाल यहाँ तक हो जाते, तो इसलिए मैंने उनको काटने से मना कर दिया। तो मैं आपको ना एक ये बात सजेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सस्ते में स्मूथनिंग करवा लेता हूँ, ये सस्ते में कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको स्मूथनिंग अगर सस्ते में करवाओगे ना, तो वो केमिकल्स जो भी तुम्हारे बालों में जो भी क्रीम अप्लाई करते हैं ना, वो भी ऐसे अमाउंट में ही अप्लाई करेंगे जिससे तुम्हारे बाल और डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं। तो जितना हो सके मतलब इसमें कंजूसी मत करना। तो मैंने भी 5,000 मतलब पे किया था, और इतना ही लोग पे करते हैं। तो इसकी प्रोसेस की मतलब स्टेप टू स्टेप बात कर लेते हैं कि इसका प्रोसेस होता कैसे है। तो पहला प्रोसेस में हम वहाँ पर जाते हैं अपॉइंटमेंट लेने के बाद, और उसके बाद में हमारा हेड वॉश करते हैं सबसे पहले, क्योंकि कुछ लोग वैसे भी हेड वॉश करके नहीं आते हैं, तो वो सबका ही हेड वॉश करते हैं। तो मेरा भी हेड वॉश हुआ था। उसके बाद हेड वॉश होने के बाद वो तुम्हारे बालों में क्रीम अप्लाई करते हैं, जो तुम्हें हाफ या 1 आवर तक रखना पड़ता है, और तुम वहाँ कहीं भी मतलब ऐसे बैठे रहते हो, थोड़ी देर इंतजार करना पड़ता है। उसके बाद जब तुम अप्लाई कर लेते हो, तो फिर तुम्हारा हेड वॉश होता है। वो हेड वॉश करते हैं, अच्छे से तुम्हारी क्रीम उतारते हैं, और क्रीम उतारने के बाद वो तुम्हारे बालों को स्ट्रेट करते हैं, मतलब हर 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 सेक्शन को स्ट्रेट करते हैं। उसमें मतलब स्ट्रेटनिंग में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, 1 आवर तक तो वो स्ट्रेट ही करते रहते हैं बालों को। और बालों डिपेंड करता है तुम्हारे बाल कितने लंबे और कितने थिक बाल है, तो उससे ज़्यादा टाइम लगेगा तुम्हारा। मुझे अप्रोक्सीमेटली 1 आवर लग गया था मेरे बालों को स्ट्रेट करने में। तो उसके बाद स्ट्रेट करने के बाद फिर से वो तुम्हारे बालों में क्रीम अप्लाई करते हैं, और फिर से दोबारा से हेड वॉश होता है। तो उसके बाद हेड वॉश होने के बाद वो तुम्हारे बालों को ड्राई करते हैं, और उसके बाद तुम्हारा असली लुक आता है जो आता है। और ये लुक आने के बाद तुम घर जा सकते हो, और आफ्टर 2 डेज फिर तुमको दोबारा से हेड वॉश के लिए आना पड़ता है। उसके बाद तुम हेड वॉश के लिए आते हो, फिर यहाँ पर प्रोसेस खत्म हो जाता है। तो बात करते हैं कि इसको कराना वर्थ इट है क्या। तुम अगर अपने बालों में 5,000 रुपए लगा रहे हो, तो क्या ये वर्थ इट है? मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि मैंने इसको करा के अच्छा किया, और ये मेरे लिए वर्थ इट है। मतलब 5,000 इस पे अप्लाई करना लगाना वो सही रहा है मेरे लिए, क्योंकि मेरे बालों में ना पहले ये होता था कि बार बार स्ट्रेटनिंग करनी पड़ती थी। कोई फंक्शन में जाना हो या कहीं भी जाना हो ना, तो स्ट्रेटनिंग करनी पड़ती थी, पर अब बालों को कोई भी स्ट्रेटनिंग करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली स्ट्रेट रहते हैं। तो उस झंझट से हम मतलब मुक्त चुके हैं। इसकी डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं कि उसमें क्या डिसएडवांटेजेस है तुम्हें अगर तुम करवाते हो। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मुझे ये लगता है कि तुम इसके बाद कोई हेयर स्टाइल, कर्लिंग या कुछ भी अपने बालों में नहीं कर सकते हो। बिल्कुल मना होता है कर्ल्स करना, स्ट्रेट तो तुम्हारे हो ही गया, स्ट्रेट तो तुम नहीं करोगे वैसे भी, पर कुछ टाइप कोई भी टाइप का करना मतलब उन्होंने मना कर दिया होता है। हेयर स्प्रे तक भी हम नहीं लगा सकते हैं, हेयर स्टाइल्स करना मतलब जो हेयर स्टाइल्स हम पार्लर में कराते हैं ना, वो भी कराने से वो मना कर देते हैं। मैं एक कॉन्टेंट क्रिएटर हूँ, और मुझे ना अपने बाल को कर्ल करना और हेयर स्टाइल बनाना काफ़ी पसंद है, पर अब 5 to 6 मंथ से मैं सिर्फ अपने बालों को स्ट्रेट ही रखती हूँ, जैसा लुक हो सकता है वैसा ही बनाती हूँ, कुछ इतना वो नहीं कर सकती अपने बालों। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय गाइज।